MLCI इनकम प्लान। आज हम लोग MLCI इनकम प्लान बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से MLCI बिजनेस काम करती है। MLCI इनकम प्लान आज है 10 अप्रैल 2022। आज हम लोग प्लान देख रहे हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं इवोसेंट इनकम प्लान भी बोल सकते हैं। MLCI के तहत ही ये प्रोजेक्ट है, और भी इसी तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे और सभी प्रोजेक्ट में इसी तरीके से MLCI प्लान काम करेगा। अगर आप एक बार प्लान को समझ जाएंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे NDA प्रोजेक्ट, बसाल टेक्नोलॉजी, गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, यूगेन या अन्य और भी प्रोजेक्ट आएंगे, सभी में MLCI का जो इनकम प्लान है, बोनस प्लान है, सभी में एक ही तरह से काम करेगा। एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे उसी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो इस प्लान को हम लोग आज अच्छे से समझते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे ज्वाइनिंग होते हैं। ज्वाइनिंग होने के बाद आप डायरेक्ट में जितने लोगों को ज्वाइनिंग कराना है आप करा सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को। तो मान लीजिए कि आपके पहले लेवल में जो ज्वाइनिंग होगा वो आपका पहला लेवल कहलाएगा, और पहले लेवल के नीचे पहले वाले या आप उसके नीचे में किसी को ज्वाइनिंग कराएंगे वो आपके दूसरे लेवल कहलाएगा, और दूसरे के नीचे कोई ज्वाइनिंग होगा वो आपका तीसरा कहलाएगा, फिर चौथा कहलाएगा, पांचवा लेवल आ जाएगा। इसी तरीके से अनलिमिटेड लेवल तक आप इनकम कर सकते हैं इसमें, अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करा करके। जितना ज़्यादा आपका टीम स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आपका इसमें इनकम होता जाएगा। हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरीके से इनकम होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप ज्वाइनिंग हो गए, ज्वाइनिंग होते ही आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर फ्री में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस कंडीशन में आपका आईडी यूजर कहलाएगा। यूजर जब आप रहेंगे तो यूजर में आपको पहले लेवल में जितने लोगों को आप ज्वाइनिंग कराना है करा सकते हैं। पहले लेवल में जितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे, जो भी पैकेज रहेगा उस पैकेज का आपको 5% मिलेगा। ये वन टाइम मिलता है जो भी पैकेज रहेगा। कोई अगर $100 से ज्वाइनिंग करता है उसका 5% $5 आपको तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। उस अमाउंट को अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किसी को भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे और उसका यूज आप खुद कर पाएंगे, परचेज करने में, खुद का आईडी टॉपअप करने में या फिर उसे विड्रॉल करने में, ये सारा स्टेंट कर सकते हैं। और आप यूजर हैं तो दूसरा लेवल में कोई ज्वाइनिंग करता है, यानी यहाँ पे ज्वाइनिंग किया कोई तो पहला लेवल कहलाया, इसके नीचे कोई ज्वाइनिंग किया तो दूसरा लेवल कहलाया। अगर दूसरा लेवल में कोई ज्वाइनिंग करता है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ से 3% की इनकम होती है। इसी तरीके से कोई तीसरा लेवल में आपका ज्वाइनिंग करता है तो यहाँ पे तीसरे लेवल में आपको 2% का इनकम होता है। आप अभी यूजर रैंक में हैं। अगर आप इसे और आगे बढ़ाते हैं और अपना खुद का इनकम करके, या आपके पास पैसे हो या जैसे भी करके, आप अगर 10 यूनिट यानी $10 से आप इसकी शुरुआत करते हैं, खुद का परचेज करते हैं, क्या परचेज करेंगे? अभी जिस तरीके से इवोसेंट का इनकम प्लान बता रहे हैं तो अभी इवोसेंट के बात करेंगे, बाकी बाद में और नया प्रोजेक्ट आएगा उस पर उसी तरीके से उस प्रोजेक्ट की बात होगी, उसके अनुसार आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। तो अभी इवोसेंट अगर आप शुरुआत करते हैं तो इवेंट का उसके ऊपर परफ्यूम मिलेगा और साथ में उसके 3 पॉइंट मिलेंगे। इवोसेंट परफ्यूम प्लस
फ्री पॉइंट मिलेंगे। ए पॉइंट आने वाले समय पे दो ऑप्शन इसमें आएगा, इसे आप चाहें तो शेयर मार्केट में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर इसे क्रिप्टो के माध्यम से आप इसे ऑप्शन आएगा उसमें आप कन्वर्ट कर पाएंगे, तो जो आपको सूटेबल लगे उसमें फ्यूचर में कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आने वाले समय पे सारी अपडेट दिया जाएगा। अभी इस पर इनिशियल स्टेज है, शुरुआती दौर है, आप इसमें इन्वॉल्व होकर के अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अच्छा खासा आप पॉइंट बना सकते हैं, और जितना ज़्यादा आपके पास पॉइंट रहेगा वो कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो उस अनुसार इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आने वाले समय में इसका अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप अगर 10 यूनिट से शुरुआत करते हैं, आप 10 यूनिट जब लगा देंगे खुद के, तो वैसी स्थिति में आप यहाँ पे यूजर रैंक से आपका रैंक बढ़ करके क्लाइंट हो जाएगा। जब क्लाइंट बन जाते हैं तो आपको पहले लेवल में 6% का इनकम होता है, दूसरे लेवल में आपको 4% का, तीसरे लेवल में आपको 3% का, और चौथे लेवल में आपको 2% का इनकम होता है। यानी आप दो लेवल तक का, इसमें चार लेवल तक इनकम ले रहे हैं, इसमें कहना चाहिए कि तीन ले रहे थे, इसमें चार ले रहे थे, इसमें पहले लेवल में 5, इसमें पहला लेवल में 6 मिल रहा है, दूसरे लेवल में 3, इसमें दूसरा लेवल में 4 मिल रहा है, यूजर में तीसरे लेवल में 2 और इसमें तीसरे में कहना चाहिए 3 और चौथा एक और लेवल ओपन हो गया, क्लाइंट्स आपका है। इसी तरीके से अगर आप खुद का 50 यूनिट से ख़रीदी कर लेते हैं, ये खुद का 50 यूनिट, यूनिट यानी डॉलर, खुद से खुद का ख़रीदी कर लेते हैं $50 से, और आपके नीचे कोई भी एक व्यक्ति $50 से ख़रीदी कर लेता है, मान लीजिए कि $50 से ख़रीदी कर लिया, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, 75 से लेकर के 80 रुपये के रेट में $1 की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम 76 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास 50 × 76 यानी 3800 रुपये, ये भारतीय रुपये अनुसार मान लीजिए कि 50 यूनिट आप लगाते हैं, उस पर आपको क्या मिलेगा, इवो सेंट का परफ्यूम और साथ में फ्री पॉइंट मिलेगा। इवो सेंट का परफ्यूम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये देख लीजिए, इवो सेंट का परफ्यूम है, इसका बॉक्स काफ़ी लग्जरियस है, ये दुबई में बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सभी दुबई में है, बहुत ही जल्द इसका भारत में भी प्लानिंग हो रही है और भारत में भी इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत जल्द लग जाएगा और इसका बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। इसमें सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको दिख पा रहा होगा, और यहाँ पे इसके अलग अलग फ्रिक्वेंस हैं, कहना चाहिए कि फ्लेवर्स हैं, देख सकते हैं, इसमें स्प्रे का ऑप्शन दिया हुआ है, 8 में अलग अलग सुगंध का जो आपको सूटेबल लगे उसी पे आपको एक ट्रेवल बॉक्स मिलेगा, और जैसा आप पैकेज लेंगे उसके अनुसार उसमें क्वांटिटी कोई भी एक आपको जो लगेगा, जैसे आप ज़्यादा बड़ा पैकेज लेते हैं उस अनुसार आपके उसमें 75 ml की बोतल भी उस पर मंगा पाएंगे। सारा चीज़ आपको दिया जाएगा जानकारी, तो ये प्रोडक्ट के माध्यम से आपको ये परफ्यूम मिलेगा, बहुत ही लग्जरियस परफ्यूम जो दुबई में बनता है और कुरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुँचेगा। तो इसी में आपको एक ट्रेवल बॉक्स मिलेगा, और बाकी जो भी पैकेज का जानकारी मैं दूंगा, किस पैकेज में कितनी क्वांटिटी मिलेगी, कितना पॉइंट्स मिलेंगे और कितने परफ्यूम के बॉक्स मिलेंगे, सारा चीज़ अन्य वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल मैं बताया हूँ, और आपको अन्य वीडियो भी मिल जाएंगे जिसकी इसी इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल में सारा जानकारी आपको मिलेगा। कुछ इसी तरीके से आप अगर खुद का 50 यूनिट से और आपके नीचे 50 यूनिट से कोई बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका रैंक बढ़ करके पार्टनर हो जाता है। जब पार्टनर बन जाते हैं तो पार्टनर में पहले लेवल में आपको 7% की इनकम होती है, जितना भी कोई ज्वाइनिंग करता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे 50
ज्वाइनिंग करा चुके थे और आपका खुद का 50 था, आपके नीचे एक कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ पे 300 यूनिट से अगर शुरुआत करता है मान लिया जाए, तो उसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये आपके पहले लेवल कहलाएगा। 300 यानी 76 रुपये से कैलकुलेशन करेंगे तो कोई 22,800 रुपये से कोई अगर लगा करके ये रुपये है शुरुआत कर रहा है तो उसको परफ्यूम मिलेंगे प्लस फ्री टोकन पॉइंट मिलेंगे, तो उस पर आपको 8% मिलेगा, ये जितना लगाया है उसके ऊपर 7% मिलेगा, यानी $21। यानी आप यहाँ पे रहते, आप पार्टनर हैं तो आपको 7% मिलता, यानी $21 आपको इससे आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से पहले लेवल का मिलेगा। इसी तरीके से आप दूसरे लेवल में आपको 5% और तीसरे लेवल में आपको मिलेगा 4% और चौथे लेवल में आपको मिलेगा 3% और पांचवें लेवल में आपको मिलेगा 2%। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है 5 लेवल तक, अभी आपका रैंक पार्टनर तक आप पहुँचे हैं। इसी पैदान को अगर और आगे बढ़ाएंगे, आप आगे का वर्क एजेंट आप बनेंगे, एजेंट बनने से आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आप एजेंट अगर बन जाते हैं, एजेंट बनने के लिए क्राइटेरिया है कि खुद का $300 से आपको इंटर, मिनिमम $200 से इंटर करना होगा, लेकिन अभी मौजूदा पैकेज $300 से है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो यहाँ पे मैं किया था 300 × 76 के हिसाब से, तो 22,800 रुपए के अनुसार हम लोग कैलकुलेशन करके एक आंकड़ा निकालते हैं। ये मिनिमम पैकेज $200 भी रहेगा फिर भी आप बन जाएंगे। जब आपके नीचे कोई व्यक्ति ये भी 200 या 200 से अधिक डॉलर से ज्वाइनिंग होता है, तो मैं 300 का जो मौजूदा पैकेज है उसके अनुसार बता रहा हूँ आपके नीचे, और इनके नीचे कोई भी व्यक्ति 50 यूनिट से आपके नीचे अगर जुड़ जाता है, आ जाता है, और यहाँ भी उसी तरीके से 50 वाला आ जाता है, तो ए आपका पहला लेवल कहलाएगा और ए व्यक्ति दूसरा लेवल कहलाएगा। तो यहाँ पर रैंक आपका एजेंट हो जाएगा। जब आप एजेंट हो जाएंगे तो एजेंट में इनकम होता है पहले लेवल में, जब आप एजेंट हो जाएंगे तो पहले लेवल में आपको होगा इनकम 8% का और दूसरे लेवल में इनकम होगा आपको 7% का, तीसरे लेवल में इनकम होगा 5% का और चौथे लेवल में इनकम होगा 4% का और पांचवें लेवल में इनकम होगा आपको 3%। यानी आपको 5 लेवल तक इनकम हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बताया था कि आपको अनलिमिटेड लेवल तक इनकम होगा, अनलिमिटेड इनकम कमा पाएंगे। अभी आप एजेंट बने हैं लेकिन हम अगर इनकम कैलकुलेट करा जाए तो दो व्यक्तियों को आपने लगाया है $300 पे, 300 × 2 इससे मिल रहा है आपको 8%। यानी इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, 300 × 2 × 8% यानी यहाँ से $48। इसी तरीके से 50 वाले आपके नीचे लगे हैं दो, 50 × 2 × 7% यानी $7, 50 × 2 × 7% $7। अगर टोटल किया जाए तो हमें $55 हो रहा है। $55 को अगर हम लोग 76 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4,180 रुपये हम लोगों को ये बोनस इनकम मिल रहा है, लेकिन साथ में अभी जो पॉइंट मिल रहा है 3 पॉइंट, वो मिल रहा है 10,000। अगर 10,000 का अगर मौजूदा जो पैकेज है उस पैकेज से कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग $250 का वैल्यू का
मिल रहा है 10,000। अगर $250 की कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो लगभग हमको 19,000 का वैल्यू का पॉइंट मिल रहा है। और इसको कैलकुलेट कर देंगे अगर हम 4,080 से, तो टोटल 23,180 रुपये का यहाँ से हम लोगों का इनकम हो रहा है इस एजेंट के रैंक पे। इसी तरीके से आगे का रैंक हम लोग देखेंगे कि अनलिमिटेड इनकम हम लोग कैसे कर पाएंगे। यहाँ तक आप शुरुआत किए और यहाँ आपका इनकम लगभग 23,180 रुपये का आप कर चुके हैं। इसी तरीके से आगे आपका और बढ़ता जाएगा। और अनलिमिटेड इनकम लेने के लिए आगे का रैंक आपका कंसल्टेंट होगा। कंसल्टेंट के लिए खुद का $500 से खुद का परचेजिंग होगा। अगर पहले से आप जैसे 300 का पैकेज अगर खरीदे थे, मात्र 200 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, या फिर पहले से 200 किए हुए थे 300 उसमें ऐड कर देंगे तो काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से खुद का परचेजिंग। और आपके नीचे यहाँ पे चार एजेंट बनेंगे, जिस टाइप से मैं एक एजेंट बताया उसी तरीके से चार एजेंट अगर आपके नीचे बन जाते हैं इस टाइप से। हो सकता है कि डायरेक्ट में ना बने, यहाँ ऐसे करके, या मान लीजिए कि 50वां लेवल पे कोई बनता है, ये मान लीजिए कि 100वां लेवल पे बनता है, फिर भी काउंट होगा। ये भी एजेंट और ये भी एजेंट, ये भी एजेंट और ये भी एजेंट, यानी कि दो डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट, चार लाइन आपके होने चाहिए। चारों में दो डायरेक्ट यानी ए और मान लीजिए कोई भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी लाइन आप चला सकते हैं। ऐसी करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो कंसल्टेंट के लिए इसमें भी उसी तरीके से यहाँ पे एक एजेंट के लिए जिस टाइप से मैं बताया कि यहाँ पे एक एजेंट के लिए इनकम हो गया था हम लोगों का, तो इस पर उसी तरीके से एजेंट के लिए इनके नीचे क्या होगा, इनके नीचे भी इसी तरीके से। अगर ये 300 से अगर मान लिया जाए कि शुरुआत करें होंगे, तो इनके नीचे भी 300 से शुरुआत कोई करेगा, इसके नीचे भी 300 है जो मौजूदा पैकेज है, इसे 200 से करेंगे फिर भी काउंट हो जाता है, इसके नीचे 50, इसके नीचे भी 50, इसी तरीके से चारों के नीचे। यानी मतलब हम लोग कैलकुलेट अगर करा जाए तो इनकम कितना होगा एक कंसल्टेंट के लिए उसको भी देखते हैं। कंसल्टेंट के लिए हम लोगों का इनकम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे 300 वाले एक हो गए तो हम लोगों का चार लाइन लेते हैं, तो 300 × 4 पहले लेवल में हमको कितना मिलेगा, कंसल्टेंट बनते हैं तो पहले लेवल में मिलता है 8% और दूसरे लेवल में मिलता है 8%, तीसरे लेवल में मिलता है 5% और चौथे लेवल में मिलता है 4% और पांचवें लेवल में मिलता है 3% और 6 से लेकर के अनलिमिटेड जितना भी लेवल आए वहाँ से मिलेगा आपको 2 से लेकर के 4% का इनकम। मेन इनकम यहीं से शुरू होता है। कंसल्टेंट लेवल एक ऐसा लेवल है, यहाँ अगर जो व्यक्ति पहुँच गया यहीं से मेन उसका इनकम शुरू होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हो सकता है कि आप जो इनकम करते होंगे, करे हैं, वो सारा टीम को खर्च कर देते होंगे, ट्रेवलिंग में, आने जाने में, लोगों को प्लान देने में, या बहुत सारे और भी इनिशियल स्टेज के खर्चे होते हैं, वो सारे चीज़ पूरा करते हैं करने में। लेकिन इसके बाद जो आपका इनकम होगा, अनलिमिटेड टीम बनता जाएगा, वहाँ से इनकम आपका आता जाएगा। आप चारों लेव को इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे, आपका इनकम होता जाएगा। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दो डायरेक्ट सब फ्रंट में ही चारों रहें तभी होगा, दो डायरेक्ट दो इनडायरेक्ट रहेगा फिर भी हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमको कंसल्टेंट में कितना इनकम हो जाता है। तो 300 × यहाँ पे सभी लोग एजेंट बनेंगे, उनका खुद का 300 का रहता है। यहाँ से हम लोगों को मिलता है 8%,
तो उस अनुसार हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 300 × 4 × 8% यानी $96.96 का यहाँ पे होता है पहले। और यहाँ पे देख लीजिए 1-2 यानी एक एजेंट के लिए $300 यानी 200 वाले, या 300 है तो 300 कैलकुलेशन में बता रहा हूँ समझने के हिसाब से, तो 300 वाले दो, उस हिसाब से एक में दो हुआ तो चार में आठ हो जाएंगे, यानी $300 वाले कितना हो गए, आठ हो गए। इनसे कितना मिल रहा है, इनसे भी 8% मिल रहा है। उस अनुसार हमको 300 × 8% यानी $192 यहाँ से आपको मिलता है। इसी तरीके से $50 वाले मान लीजिए कि आप लगाए हैं तो वो भी यहाँ एक एजेंट के लिए दो लगता है तो चार एजेंट आपके पास है तो आठ लगेंगे, यहाँ से मिलता है आपको 5%। तो यहाँ से मिल जाएगा 50 × 8 × 5% यानी $20। टोटल अगर कैलकुलेशन किया जाए तो $288। अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए 76 से तो आपको 21,888 रुपये आपको प्राप्त होते हैं। और जैसे ही कंसल्टेंट आप बनते हैं तो कंसल्टेंट बनने के बाद आपको यहाँ से आपको यूवोसेंट का फ्री जो पॉइंट है वो भी मिलेंगे, जो बाद में उसका बेनिफिट आपको बहुत बड़ा होने वाला है वो भी मिलेंगे। अगर कंसल्टेंट बनते हैं तो मिलता है आपको 25,000। 25,000 अभी के डेट में अगर उसका कैलकुलेशन अगर हम लोग किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा उसका वैल्यू रहेगा कंसल्टेंट अगर बनते हैं तो। कंसल्टेंट अगर बन जाते हैं तो उस कंडीशन में लगभग दो आपको गिफ्ट मिलता है। एक आपको गिफ्ट मिलता है लग्जरियस यूवोसेंट का यूवोरिच कंपनी की तरफ से बैग, ब्रांडेड लैपटॉप बैग और प्रीमियम यूवोरिच का पेन मिलता है, ये साथ में मिलता है। इसका भी कैलकुलेशन अगर करा जाए तो लगभग ये भी 5 से 10 हज़ार का रुपए का लगभग रहेगा। तो एक कैलकुलेशन मानते हैं कि दस हज़ार रुपये का ये हम लोगों का उपहार मिल जाता है उपहार, ठीक है। और यूवोसेंट का जो प्री पॉइंट है ये मिल रहा है 25,000। 25,000 का अभी मौजूदा वैल्यू के अनुसार सेकेंड स्टेज के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अगर तीसरा चौथा पांचवा छठवां या नवा दस लेवल तक है, दस लेवल में आप देख रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो अभी के अनुसार 25,000 का वैल्यू लगभग $650 के अनुसार है। लगभग इसे 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 76 से तो लगभग 49,400 ये रुपए। और यहाँ पे हम लोगों का था उपहार था एक, इसको 10,000 मानते हैं उपहार, और बोनस इनकम जो यहाँ कमाए थे 21,888 रुपये ये बोनस इनकम यानी टीम इनकम। अगर सबका कैलकुलेशन अगर कहा किया जाए तो हम लोगों को 49,400 प्लस 10,000 प्लस 21,888 यानी 81,288 रुपये का यहाँ पे इनकम कर लेते हैं। आप बने हैं अभी कंसल्टेंट, कंसल्टेंट बनने के बाद अनलिमिटेड लेवल का इनकम हो जाता है। आप इस पे काम करें या ना करें, आपका टीम अगर काम करता है तो वहाँ भी आपका इनकम मिलता है। केवल यही प्रोजेक्ट में नहीं, आने वाले और भी प्रोजेक्ट आएंगे, दो प्रोजेक्ट आएंगे, चार आएंगे, दस आएंगे, सौ आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय में आएंगे। एक बार आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसी स्ट्रक्चर का बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा और उसका बेनिफिट आप लेते रहेंगे। तो एक बार आप टीम बनाइए उसका बेनिफिट लेते रहिए। तो यहाँ आप कंसल्टेंट में 81,000 का आप
81,288 रुपये का आप इनकम कर चुके हैं अभी मौजूदा रैंक के अनुसार, और एक बार टीम आपका बन चुका है तो आगे इसी तरीके से प्रमोशन होता जाएगा और आप आगे का इनकम लेते जाएंगे। तो टीम वर्क जैसे जैसे आपका बढ़ते जाएगा उसका बेनिफिट आप लेते जाएंगे। मैं मिनिमम पैकेज को लेकर के कैलकुलेशन किया हूँ, हो सकता है कि आप ज़्यादा बड़े पैकेज से ज्वाइनिंग कराए, यहाँ पे 300 के जगह कोई 500 का या 1000 का, 5000 का, 10000 का, तो कोई भी पैकेज हो सकता है यहाँ पे, वो उसकी क्वांटिटी के अनुसार उसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर आप मैनेजर आपके नीचे कोई बड़े रैंक वाले आ गए, मान लीजिए 4 लाइन है, किसी लाइन पे अगर कोई बड़े रैंक के आ गए तो वहाँ से उस लाइन से आपका इनकम कम हो जाता है, लेकिन बाकी लाइन से आपका इनकम बढ़ जाता है। जब ये बेसिक बाद में इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे, तो इस तरीके से कंसल्टेंट में आप इनकम कर लेते हैं। इसी टाइप से आप अगर मैनेजर बन जाते हैं तो मैनेजर के लिए 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैनेजर के लिए सेम इसी तरीके से आपको 4 लेवल को ध्यान देना होगा और चारों कंसल्टेंट होंगे। ये भी कंसल्टेंट हो सकता है कि 10वां लेवल, 50वां या फिर 80 लेवल में कोई बन गया या जहाँ भी बन जाता है वो कंसल्टेंट होना चाहिए, यानी 2 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट अगर होता है तो कैलकुलेशन हो जाता है। ये भी कंसल्टेंट अगर ऐसा कोई बन जाता है, आप मैनेजर बनेंगे, यहाँ खुद का परचेजिंग वहाँ कंसल्टेंट में 500 था, इसमें 1000 का हो जाता है। अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपका इनकम हो जाता है 8% और दूसरे लेवल में आपको 8% का इनकम, और तीसरे लेवल में आपको इसी तरीके से 5% का, और चौथे लेवल में आपको हो जाएगा 4% का, इसी तरीके से पांचवे लेवल में 3% का, और 6 से लेकर अनलिमिटेड जितना भी लेवल आएगा सभी से 4 से लेकर के 6.5% का आपको इनकम होगा। ये अनलिमिटेड वाला इनकम सबसे ज़्यादा इनकम होता है, बढ़ते जाएगा, यहाँ 4.4 से लेकर के 6.5 तक आपको इनकम आता है कंसल्टेंट में। तो जैसा हम लोग मैनेजर कंसल्टेंट का देखे थे उसमें हम लोगों का इनकम हो गया था 81,288, इतना हो गया था। हमारे पास 4 कंसल्टेंट है, ये एक कंसल्टेंट का था, उसी तरीके से हमारे पास 4 कंसल्टेंट है तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं, तो उस अनुसार हमारा इस मैनेजर रैंक पे 3,25,152 रुपए का इनकम ये हो जाता है, इस तरीके से टीम वर्क करते हैं तो। और इसमें क्वांटिटी आपका ज़्यादा मिलता है क्योंकि आपके पास मैनेजर हैं तो आपके पास क्वांटिटी भी, कंसल्टेंट सारे लोगों का कैलकुलेशन होगा, सभी लोग 500 डॉलर से यहाँ पे करेंगे तो उसका कैलकुलेशन होगा 8%। इस तरीके से टोकन भी 65,000 टोकन मिलता है, EBSN टोकन पॉइंट जो रहता है वो मिलेगा 65,000, तो उसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 1650 डॉलर का वैल्यू के अनुसार होता है, तो उस अनुसार टोटल अगर कैलकुलेशन करेंगे सब मिला करके लगभग मैनेजर बनने के बाद, मैनेजर बनते तक 3,25,152 रुपये का आप इनकम बना लेते हैं। ये राउंड फिगर पे बता रहे हैं, आगे पीछे हो सकता है, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, सकता है कम भी हो, आप अपने कैलकुलेशन के अनुसार बना सकते हैं। इसी तरीके से ये मैनेजर हो गया, अगर लीडर मैनेजर बन जाते हैं,
लीडर मैनेजर बन जाते हैं तो उसमें भी इनकम इसी तरीके से होगा। और आपका 6 से लेके अनलिमिटेड वाला जो इनकम है, 5 तक इनकम सेम रहेगा, लेकिन 6 से लेकर लिमिटेड वाला इनकम बढ़ करके 6.5 से लेकर के ये 8% तक बढ़ जाएगा। इसी टाइप से आप अगर टॉप मैनेजर बन जाते हैं, टॉप मैनेजर में इनकम आपका बढ़ जाएगा और उस पर अलग से गिफ्ट भी मिलेगा। टॉप मैनेजर बनेंगे तो मालदीप का टूर है, 6 से लेके अनलिमिटेड 5 लेवल तक सेम रहेगा, लेकिन 6 से लेके अनलिमिटेड वाला इनकम 8 से लेकर के यहाँ पे 9% बढ़ जाते हैं। इसी टाइप से आप अगर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में भी 1 से 5 तक इनकम सेम रहेगा, 6 से अनलिमिटेड वाला इनकम बढ़ करके आपका 9 से 10% का इनकम हो जाता है। जितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे उसके अनुसार इसमें बहुत सारे गिफ्ट भी है, सारे गिफ्ट भी मिलेंगे। इसी टाइप से आप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बनने के बाद आपका इनकम और बढ़ जाता है, आपके 6 से लेकर अनलिमिटेड वाला इनकम बढ़ करके 10 से लेकर के 12% का इनकम हो जाता है। और साथ में प्रेसिडेंट के नीचे अगर आपके नीचे 2 प्रेसिडेंट अगर बन जाते हैं तो यहाँ 6 से लेकर अनलिमिटेड वाला इनकम भी बढ़ जाएगा और आपका गिफ्ट भी ज़्यादा मिलेगा। और कितना मिलेगा उसको आप कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं कि कितना हम लोगों को यहाँ से इनकम बन जाता है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं एक प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक मैनेजर के ऊपर हमारा बन रहा था 3,25,152 इंटू 4 कर देते हैं तो ये लीडर मैनेजर का इनकम हो गया। तेरह लाख ये लीडर मैनेजर हो गया। फिर मल्टीप्लाई उसके नीचे अगर वाइस प्रेसिडेंट टॉप मैनेजर के लिए करेंगे इंटू 4 कर देंगे तो टॉप मैनेजर का हो जाएगा। तो टॉप मैनेजर का इनकम यहाँ पे हो जाएगा 52, यानी 52 लाख हो जाता है इंटू, फिर मल्टीप्लाई अगर 4 करते हैं तो उस हिसाब से अगर दस लाख करोड़ मतलब 2 करोड़ का इनकम यहाँ तक ले सकते हैं। और मल्टीप्लाई 4 अगर कर देते हैं तो यहाँ प्रेसिडेंट में 8 करोड़ तक का इनकम पूरे कैलकुलेशन के अनुसार अगर करा जाए तो यहाँ तक 8 करोड़ तक का इनकम कहना चाहिए कि ले सकते हैं। इसी तरह से अगर इनके नीचे पूरी टीम अगर काम करता है, सारा कैलकुलेशन अगर काम करता है, सब लोग इसी टाइप से मतलब अपने पैकेज का अपग्रेडेशन करते हैं तो उसी टाइप से मिलता है। तो एक कंसल्टेंट का अगर गिफ्ट को अगर काउंट किया जाए कि हमारे नीचे 2 प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हम लोगों को गिफ्ट कितना मिलेगा, पहली अगर हम लोग लेंगे तो कंसल्टेंट का एक नए पेज में बनाता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, कितना इनकम हो जाएगा। ये इनकम अभी प्रेसिडेंट के नीचे लगभग 8 करोड़ तक का इनकम यहाँ से बना सकते हैं अगर पूरी तरीके से इसी टाइप से टीम बोनस मिलता रहेगा। तो अगर आपके नीचे कंसल्टेंट हैं, नहीं आप कंसल्टेंट अगर बनते हैं तो जो गिफ्ट मिल रहा था वो गिफ्ट का अगर वैल्यू देखा जाए तो लगभग 10,000 का एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल रहा था। उसके अलावा आपको एविएशन पॉइंट जो मिल रहा था वो अलग है, और मैनेजर में आपको लगभग 80,000 का एक कैलकुलेशन मान के चलते हैं कि लगभग मिल रहा था। और लीडर मैनेजर अगर बनते हैं तो इसमें लगभग 2 लाख का एक मिलता है लग्जरियस आइटम। और इसी टाइप से टॉप अगर मैनेजर बनते हैं तो टॉप मैनेजर में लगभग ये आगे पीछे हो सकता है, एक अनुमानित आंकड़ा मैं लगभग बता रहा हूँ, एक 4 लाख का, क्योंकि यहाँ जो अगर कैलकुलेशन किया जाए जो गिफ्ट है वो
हो सकता है कि ज़्यादा या कम हो सकता है, ताकि आप लोग बस समझ जाएं, इस हिसाब से आपको बता रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेंट में एक बैग है जो लैपटॉप बैग है, तो एक लग्जरियस बैग रहेगा, तो हो सकता है 10,000 उसको लिया हूँ। मैनेजर के लिए इसी टाइप से आपको मैकबुक है जो HP का है या तो फिर सैमसंग या एप्पल का रहेगा, तो लगभग 80,000 इसको मान के चलते हैं। लीडर मैनेजर में चार आइटम है, चार आइटम में कुछ इस तरीके से है, एक मतलब ओमेन के लिए एक है बैग, इसी तरीके से मैन के लिए एक बैग है, एक वैलेट है, एक बेल्ट है, टोटल चार आइटम है। तो लग्जरियस आइटम है, गुच्ची का रहेगा, तो उस हिसाब से एक एक, एक लाख के मान के चलते हैं, अगर 50,000 के भी चार आइटम रहेगा तो लगभग 2,00,000 का इसको मान के चलते हैं। और टॉप लीडर में 2 दिन का बहुत लग्जरियस होटल में आपको मालदीप का 2 लोगों का 2 दिन का टूर रहेगा, तो इसको लगभग 4,00,000 मान के चलते हैं। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट अगर हम लोग लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में इसमें मर्सिडीज बेंज जी क्लास, BMW 5 सीरीज एंड Audi A6, ये सारा चीज़ अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80 लाख का रहेगा, मैं 70,00,000 लेकर के चलता हूँ। और इसी तरीके से ये सारे तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो प्रेसिडेंट तक आपको जो गिफ्ट मिलता है उस गिफ्ट को हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने पे जो इधर का पिछले वाले गिफ्ट को जो मैं काउंट किया था वो लगभग 8 करोड़ इतना कुछ काउंट हुआ था। ये पूरे प्रेसिडेंट बनते तक सारा इनकम अगर आता है तो इतना बन जाता है। और अगर प्रेसिडेंट बनने के नीचे आपके नीचे 2 प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है लंबोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉय या सारे लग्जरियस गाड़ी मिलता है। उसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग आपके नीचे 2 प्रेसिडेंट बन जाता है तो लगभग 4 करोड़ का प्रेसिडेंट में इस अमाउंट को भी रहने देते हैं। यहाँ पे जो गिफ्ट मिल रहा है केवल गिफ्ट को काउंट करते हैं, लगभग 1 करोड़ का मिलेगा जो प्रेसिडेंट में, हम प्रेसिडेंट में मिलेगा एक लग्जरियस अपार्टमेंट लगभग 1 करोड़ का 1 CR। और आपके नीचे 2 प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उस अनुसार लगभग 4 करोड़ का, अगर आप इसको आप देख पा रहे होंगे तो लंबोर्गिनी, फरारी, ये सारा चीज़ आप गूगल में खुद सर्च कर सकते हैं, लगभग 4 करोड़ का। तो ये गिफ्ट को अगर कैलकुलेशन टोटल गिफ्ट को केवल करेंगे तो कुछ इस तरीके से अगर इसको करते हैं तो कितना बनता है इसको देख लेते हैं। दस हज़ार, 80,000, 2,00,000, 4,00,000, 70,00,000, 1 करोड़ ये, और ये टोटल 5 करोड़ 70 5 करोड़। तो टोटल मिलाकर के हमारा बन रहा है 5,76,90,000। ये पूरे टोटल ये बोनस मिल रहा है, बोनस का इनकम इसको बोल सकते हैं, ये बोनस मिल रहा है। साथ में अगर आपके नीचे 2 प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपको EBSN जो पॉइंट है वो मिल रहा है 50,00,000।
50 लाख आप एक साल के बाद उसका जो लास्ट पैकेज 10वां पैकेज रहेगा, क्योंकि हम एक साल के वैल्यू के लेकर के चल रहे हैं, हम 10वां पैकेज का कैलकुलेशन अगर करते हैं तो हमारा उसमें मिल रहा है जो गिफ्ट मिल रहा है वो 50 लाख मिल रहा है। अगर आपके नीचे 2 प्रेसिडेंट अगर बन जाते हैं तो आपको मिल रहे हैं 50 लाख। तो 50 लाख की कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं मौजूदा जो पैकेज है उसके अनुसार, पचास लाख का अगर कैलकुलेशन करते हैं मौजूदा जो पैकेज 10वां स्टेज में मिलेगा, ₹50 लाख भागित यहाँ पे सबसे बड़ा पैकेज $1500 का है, तो $15,000 का है, $15,000 का कैलकुलेशन अगर 10वां लेवल में करते हैं तो 10वां लेवल में मिलता है मात्र 1.5 लाख, यानी 1,50,000 1,50,000। तो टोटल यानी 1.5 लाख पैकेज का कहना चाहिए कि EVSN टोकन, मतलब ये लेने के लिए इतना डॉलर लग रहा है, मतलब इसमें लग रहा है 15,000, यानी $15,000 का अगर पैकेज लेते हैं 10वां स्टेज में तो आपको मिलेगा 1.5 लाख EVSN पॉइंट। तो हमारे पास EVSN कितना पॉइंट मिला है, 50 लाख। तो 50 लाख को जब हम डिवाइड इस पे किए तो हमारा 33.33 हमारा इतना पैकेज बना। तो एक पैकेज के लिए, एक पैकेज में लग रहा है, एक पैकेज में $15,000 में 1.5 लाख मिल रहा है। हमारे पास 33 पैकेज हो गया, 3.33 पैकेज इंटू 15,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार $5 लाख हो गया, मतलब $5 लाख। ये $5 लाख का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे लगभग 76 से, 5 लाख वैल्यू इंटू 76 तो बन रहा है $3,80,00,000। $3,80,00,000 बन रहा है, $3,80,00,000। और यहाँ पे टोटल हम लोग कैलकुलेट किए थे, अगर टोटल बोनस सारा चीज़ अगर मिला करके करेंगे तो 5,76,00,000 यहाँ पे बन रहा था और यहाँ पे बन रहा है 3,00,00,000 बन रहा है। तो ये सारा इनकम अगर ले के चलेंगे, साथ में एक और इनकम मैं बताया था कि जो बोनस इनकम है ये हमारा, यहाँ पे हम लोग टोटल इनकम किए थे गिफ्ट इनकम, गिफ्ट इनकम हुआ था 5,76,90,000 और हमारा यो सेंट ये पॉइंट को कैलकुलेट किए हैं 10th स्टेज के अनुसार, 10वां स्टेज के अनुसार किए हैं, तो 3,80,00,000 80 लाख। और साथ में बोनस इनकम, बोनस इनकम जैसा मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया था पिछले वाला देखे होंगे उसमें, तो 8,32,00,000
38,000 यहाँ पे आप देखे होंगे, इसमें मैं कैलकुलेशन जब किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे बना हुआ था यहाँ प्रेसिडेंट आते तक लगभग 8 करोड़ कुछ बना हुआ था, एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे था। एक बार फिर से यहाँ से अगर मैं लीडर मैनेजर तक कैलकुलेशन अगर करता हूँ तो इसको देख सकते हैं, जैसे बोनस केवल बोनस के यहाँ पे काउंट कर रहे थे सारा चीज़ लेकर के, इसमें हम लोग चाहें तो कुछ कैलकुलेशन को यहाँ पे टोटल जो कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन को कुछ निकाल भी सकते हैं। जैसे हमारे पास इस कहना चाहिए मैनेजर के कैलकुलेशन में एक चीज़ों को हम लोग अलग कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इवोशेंट उपहार का जो बोनस था इसको अलग कर सकते हैं, केवल उपहार का ले सकते हैं, उपहार को भी छोड़ सकते हैं, केवल बोनस इनकम ले सकते हैं। इस बोनस इनकम को, बोनस यहाँ पे कितना बन रहा है, 21,888 ये बन रहा है कंसल्टेंट में। इसी तरीके से आप मैनेजर जब बनते हैं, कंसल्टेंट में बन रहा है 21,888 केवल बोनस, बोनस इनकम। हमारे पास मैनेजर के लिए 4 कंसल्टेंट ज़रूरत पड़ता है, यानी 4 × 21,888 × 4 कर देते हैं, यानी 87,552 हो जाता है। ये मैनेजर हो गया, और अगर लीडर मैनेजर के करते हैं इसी पे, लीडर मैनेजर के करते हैं × 4 इतना बन जाता है। अगर टॉप मैनेजर के करते हैं × 4 कर देते हैं, यानी 14 लाख बन रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर करते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 4 टॉप मैनेजर की ज़रूरत पड़ता है, या 2 में भी बन सकते हैं, 3×4 में कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना बन रहा है, और प्रेसिडेंट × 4 कर देता हूँ प्रेसिडेंट के लिए, दो करोड़ मतलब 24,13,300 हो रहा है बोनस इनकम। ये इसको माफ़ करिएगा, ये लिखने में कैलकुलेशन में टोटल उसमें कर दे रहा था, उसको कैंसिल कर रहा हूँ। उस अनुसार यहाँ पे 2,24,13,312 ये हमारा बोनस इनकम है। इवोसेंट पॉइंट का इनकम बन रहा है 3 करोड़, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 11,81,00,000 इतना बन रहा है। ये आपका एक बार का साल भर का इनकम है, साल भर में आप इतना बना सकते हैं अगर आप टीम वर्क करना चाहते हैं, और टीम वर्क आपकी करने की क्षमता है, आप चाहते हैं कि इतना इनकम करना है, तो आप 11,81,03,312 रुपए का इनकम यहाँ से आराम से ले सकते हैं। सबसे अच्छा बात इसमें है कि टीम वर्क आप करें या ना करें, आपका एसेट का वैल्यू बढ़ता जाता है, टीम ग्रोथ
नहीं भी कर पाएंगे फिर भी इसमें वैल्यू बढ़ता जाएगा। प्रोडक्ट के रूप में परफ्यूम भी यूज करेंगे, जो पॉइंट मिला है उसका एसेट बढ़ता जाएगा और उसमें आने वाले समय में हो सकता है शेयर मार्केट में वो लिस्टिंग हो जाए, उसकी वैल्यू अगर $1 पे जाता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके पास कितने सारे पॉइंट है तो उसके अनुसार आपका कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा। लेकिन कंपनी का अनुमान है कि लगभग $5 से $10 तक इसकी वैल्यू जा सकती है, हो सकता है कि इसका वैल्यू हाँ अगर $1 भी जाता है 2 से 3 सालों में, क्योंकि कंपनी का इनोकॉन कंपनी का बनाने का टारगेट है जिसकी एक कहना चाहिए बिलियन जितने जिसका वैल्यूएशन होती है वो लगभग इनोकॉन कंपनी कहलाता है, उस अनुसार आप अगर ऐसा ग्रोथ होता है तो अच्छा खासा आपके पास पॉइंट रहेगा तो आप यहाँ पे इतना ज़्यादा इनकम कर चुके होंगे, 11,81,00,000 का इनकम कर चुके होंगे। आपके पास सारा लग्जरियस कार अपार्टमेंट सब कैलकुलेशन लेकर के अगर करेंगे तो इतना ज़्यादा इनकम कर लेंगे। आप अलग अलग सेक्टर पे काम कर रहे होंगे, हो सकता है क्रिप्टो पे कर रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आप MLM कर रहे होंगे, बहुत सारे MLM प्लान किए होंगे लेकिन इतना ज़्यादा इनकम आप अभी तक नहीं देख पाए होंगे। तो अभी भी सुनहरा मौका है, इस पर आइए और इस पर शुरुआत करिए, बहुत बड़ा कर सकते हैं, इस पर अभी शुरुआत है। MLCI मॉडल पर है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट आएंगे, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आते जाएगा उतने ज़्यादा आपका इस टीम का फायदा मिलेगा। एक बार आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा उसी स्ट्रक्चर का टीम का ग्रोथ आपको मिलता जाएगा, उसी का टीम काम करते जाएंगे जो भी इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि पुराने जैसे मेरा स्ट्रक्चर था उसमें अगर नए लोग नहीं आते हैं, पुराने लोग नहीं आते हैं तो नए अभी बनते हैं वो भी काउंट होगा, पुराने भी खरीदते हैं उसमें भी काउंट होगा। तो आपका एक बार स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इनकम बना सकते हैं 11,81,00,000 का, तो बहुत सुनहरा मौका है, इसमें आइए और मिल करके पूरे प्लान को अच्छे से करके और बेहतरीन प्लानिंग करते हैं और अच्छा खासा यहाँ से इनकम करते हैं।